अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये ना मैं यहाँ पर तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। सो आज का जो मेकअप लुक है वो मैं वैसे ही एक पार्टी वेयर लुक तैयार कर रही हूँ। हाई टी पर जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ तो मैंने कहा चलो तैयार होते होते साथ रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। और यहाँ पर ना मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया है न्यूट्रीजीना के मॉइस्चराइज़र से, जो कि वाटर बेस है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और ये मैंने एक नया इफ़ेक्ट ट्राई किया था जो पीछे सब कुछ ब्लर कर देता है। और यहाँ पर मैं और भी फिल्टर्स ट्राई कर रही हूँ, जो अच्छा लगेगा उस पर भी मैं पॉज करके वीडियो शूट करूँगी। सो मैंने कहा कि चलो ब्रल वाला यूज़ कर लेते हैं। तो जी बैकग्राउंड हो गया है यहाँ पर ब्लर सा, और अब मैं अपने फेस पे लगाने लगी हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन में लगा रही हूँ फिट मी मेबेलिन की 220 इसका शेड है, और इसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। और अप्लाई फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ मैं, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है, और इसको फिंगर की हेल्प से ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और बाद में मैं ये भी चेक करूँगी कि कहाँ कहाँ फाउंडेशन कम लगी है, कवरेज कम आई है, और उसके ऊपर मैं दोबारा से अप्लाई करूँगी। और दोबारा से अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसको, पहले फिंगर्स की हेल्प से, और देन मैं इसको ब्लेंड करूँगी वेट ब्यूटी ब्लेंडर या वेट स्पंज की हेल्प से, ताकि मेरे फेस पे ये बहुत अच्छी सी कवरेज दे, हैवी लुक ना लगे और केकी ना लगे, और बहुत ही अच्छे से ये मेरे फेस के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको एज अ, जैसे हम अपने फेस पे क्रीम लगाते हैं या मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वैसे ही अपने फेस के ऊपर मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ अपने फिंगर्स की हेल्प से, ताकि मुझे ये जो है वो बहुत अच्छी कवरेज दे। जितनी भी मर्ज़ी आप फाउंडेशन अपने फेस पे अच्छी से अच्छी लगा लो, लेकिन फिंगर की हेल्प से जो लुक आती है वो किसी और चीज़ से ब्लेंड करके नहीं आती है। सो यहाँ पर जी मैंने अपने फेस पर अच्छी तरह एज अ क्रीम समझ के या बीबी क्रीम समझ के फाउंडेशन को ब्लेंड आउट कर लिया था। नेक पर भी मैंने लगा लिया था, और अब मैं देख रही हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे कवरेज कम आई है वहाँ वहाँ मैं दोबारा से अप्लाई करके अपने फेस के दाग धब्बे और जो भी डिसकलरेशन हुई हुई है या सन बर्न हुआ है उसको कवर कर लूँ, ताकि बहुत अच्छा सा एक लुक निकल के आए। तो आज की वीडियो में मैंने सबसे पहले जो है अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के बाद फाउंडेशन अप्लाई की थी। यूजुअली मैं अपने फेस को फेस पे पहले जो है वो आई मेकअप करती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैंने पहले अपने फेस को अच्छे से जो है वो प्रेप कर लिया था, फाउंडेशन अप्लाई कर ली थी, और अब मैं अपने फेस को पाउडर लगा के मैट कर रही हूँ, ताकि मेरी जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग लगे। और यहाँ पे जी मैंने सनलाइट को टाटा बाय बाय किया और अपने रूम की लाइट को यूज़ किया है, ताकि जो है वीडियो में अच्छे से शूट कर सकूँ। और नेक पे भी मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, और फेस पे भी मैं अच्छे से पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर, फोर हेड पे, पूरे फेस के ऊपर, क्योंकि मुझे जो है अपनी फाउंडेशन का मैट लुक पसंद है। सो अब मैं मिरर में देख रही हूँ कि जहाँ जहाँ भी फेस पाउडर नहीं लगा वहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर लूँ। अब मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट यूज़ करके अपना आई मेकअप क्रिएट करना है। यहाँ पे जी इफेक्ट मुझे तंग कर रहा है जो मैंने लगाया था, लेकिन इसका मैं ट्रांजिशन शेड लगा के अपनी आईज़ पे पहले बेस बना लूँगी। अच्छे से मैंने अपना जो लुक क्रिएट करना था उस पर मैंने अप्लाई करके ये लाइट ऑरेंज सा शेड अपनी बेस क्रिएट कर ली है, और उसके ऊपर मैं अच्छे से जो है वो ग्लिटर अप्लाई करूँगी। दो शेड्स मैंने यहाँ पर सिर्फ यूज़ किए हैं, एक ऑरेंज ट्रांजिशन शेड जो पूरी आँख पे अप्लाई होगा, दोनों आईज़ के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ अब इस वीडियो में। और उसके अलावा जी अब अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद जो लुक मैंने सोची हुई थी वो लुक मैं नहीं कर पाई। मैंने जो है वो सोचा हुआ था कि मैं एक ब्लैक स्मोकी सा लुक करूँगी। सो यहाँ पर जी मैंने अपना लाइनर उठाया और अपनी आई पे लगाया, और जब मैं इसको ब्लेंड करने लगी तो मेरे साथ हो गया डिज़ास्टर। फिर मैंने सोचा कि ये ब्लेंड तो हो नहीं रहा, तो चलो एक मोटा सा आईलाइनर लगा लेते हैं, ताकि जो लुक मैं चाहती हूँ वो क्रिएट हो जाए। और मैंने फिर अपना मार्कर लाइनर उठाया और अपनी आई के ऊपर मैंने ये मोटा सा लाइनर अप्लाई कर दिया, और उसके बाद अगेन हो गया डिज़ास्टर। बस जी फिर मुझे ये पूरा का पूरा आई मेकअप रिमूव करना पड़ा, और दोबारा से क्रीज लाइन को
रील्स को क्रिएट करना पड़ा, अपनी बेस बनानी पड़ी। और फिर मैंने कहा कि इंसानों की तरह दूसरी तरह का मेकअप कर लेते हैं, तो मैंने ब्राउन शेड उठाया और अपने आउटर कॉर्नर्स को और अपनी अपने जो है वो आई डक को अच्छे से मैंने जो है वो ब्लेंड कर लिया। इनर कॉर्नर को भी और आउटर कॉर्नर को भी मैंने अच्छे से ब्राउन शेड से ब्लेंड करके अपनी क्रीज लाइन को भी क्रिएट कर लिया, ताकि मुझे एक हॉलो लुक करना था तो हॉलो लुक का जो है वो सेंटर क्लियर होता है। तो इसलिए मैंने जो है ये इस तरह का आई मेकअप अब क्रिएट किया है और एट दी एंड ये मुझे बहुत ही पसंद आया था आई मेकअप। सो अच्छे से मैं अपने आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ अपनी आई पे लगा के। जो पहले मैंने गलती कर ली थी उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, पर मुझे दोबारा से सारा काम करना पड़ा था। मैंने आपके साथ शेयर किया कि हर मेकअप इतना आसान नहीं होता, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। सो अब मैं अच्छे से जो है वो अपने फिंगर की हेल्प से मेटालिक शेड लगा रही हूँ अपनी आई के सेंटर में जस्ट, और इनर और आउटर कॉर्नर पे मैंने जो है वो ब्राउन लगाया हुआ है और इनर डक पे भी जो होता है वो मैंने ब्राउन शेड ही लगाया हुआ है। और क्रीज भी मैंने जो है वो ब्राउन शेड से ही बना के जो ब्लेंड की थी, पर सिर्फ सेंटर में जो है वो मैंने गोल्डन शेड लगा के अपनी ये जो आई लुक है ये कम्प्लीट की है। पहले मैं चाह रही थी कि सिर्फ दो शेडों यूज़ करूँ, क्रीज पे जो है वो ऑरेंज सा बेस शेड और ऊपर ब्लैक लगा के अपनी आई लुक क्रिएट कर लूँ, लेकिन एट दी एंड मुझे ये तीन चार शेड यूज़ करने पड़े अपनी आई लुक को क्रिएट करने में, क्योंकि बहुत ही मेस हो गया था। और फिर मैंने कहा कि जो इजी मेकअप है वो करते हैं और तैयार होते हैं, क्योंकि लेट भी हो रहे थे। और फिर मैंने इस तरह से अपनी आई मेकअप को कंप्लीट कर लिया। अब मैं मिरर में देख रही हूँ कोई गलती तो नहीं है, कहीं से ब्लेंडिंग तो नहीं करनी है। अगर कहीं से ब्लेंडिंग होने वाली है तो उसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। और जो है वो यहाँ पर मैं अब अपनी आई पे तमीज़दार सा लाइनर लगाऊंगी, जो कि बारीक सा लाइनर होगा, और हल्का सा विंक बनाऊंगी ताकि मेरी आई लुक कम्प्लीट हो सके। और इसके बाद मस्कारा लगाएंगे और हमारी आई लुक हो जाएगी कम्प्लीट। इसी तरह दूसरी आई पे भी मैं प्यारा सा बारीक सा लाइनर लगाऊंगी और हल्का सा विंक निकाल देंगे, ताकि आई लुक थोड़ी खिली खिली, थोड़ी ओपन आई लगे, थोड़ी खिली खिली सी लगे आँखें, वरना जो आँखें हैं वो बड़ी ड्रूपी सी, डूबी डूबी सी लगती हैं। अगर आप हल्का सा विंक निकाल दो तो आपका ऐसा लगता है जैसे आँखें आपकी खुली खुली सी हैं। सो इस तरह से दोनों आईज़ के लाइनर को बराबर करते हुए मैं लाइनर लगा रही हूँ और बिल्कुल चुन्नू सा छोटू सा विंक निकालूंगी मैं बाहर, ताकि जो है वो बिल्कुल जो है ना वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा मतलब निकाल रही हूँ, ताकि आई लुक जो है वो थोड़ा सा कम्प्लीट लगे, आँखें खुली खुली सी लगें। दोनों आईज़ को यहाँ पर बराबर कर लेंगे और इस तरह इसके बाद मैं अपनी आईज़ के ऊपर मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा जो है वो भी इस तरह से अप्लाई करूँगी कि आंखें जो हैं वो बड़ी बड़ी सी लगें। यहाँ पे जी मैं अपनी आईज़ के पहले ऊपर वाली साइड पे जो है वो मस्कारा लगाती हूँ, लैशेस के ऊपर वाली साइड पे, देन मैं नीचे से ऊपर की तरफ मस्कारा लगाती हूँ, ताकि जितनी भी फाउंडेशन या आई शेडो आई लैशेस के ऊपर लगे हुए हैं वो रिमूव हो जाएं और बहुत ही प्यारा सा एक इफ़ेक्ट आए, उठी उठी सी लैशेस लगें। इस तरह से आप अगर अप्लाई कर दो तो खुली खुली सी उठी उठी सी लैशेस लगती हैं। और ये मिराज का जो है, अमरिच का या मिराज का जो है मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ मिरर में कि अगर मस्कारा कहीं पे कम या ज़्यादा लगाना हो तो लेवल कर लूँ अच्छे से। और इसके बाद जी अब मेरा जो है वो आई मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल सा लुक मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही ईजी लुक है। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन अप करूँगी और अपनी आईब्रोज़ की शेप बनाऊँगी। मैं डार्कर ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो ब्लैक हैं। तो इस तरह से स्टार्ट से थोड़ा सा छोड़ के और अपनी आईब्रोज़ की जो मेरी शेप है उसी को मैं शेप करके और थोड़ा कलर ऐड करके तो ब्रश आउट करूँगी, तो मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। ज़्यादा मैं ओवर आईब्रोज़ नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल ही सटल सी जो मेरी शेप है उसी को नीट करूँगी बस। Oh, oh, oh.
अब जी मैं अपने फेस को कॉन्टूर करूँगी। पिंक फ्लैश का जी मैंने कॉन्टोरिंग का वो लिया है, शेड लिया है, और मैं अब अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी कॉन्टोरिंग ब्रश की हेल्प से। छोटा सा मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग ब्रश लिया है और अपने नोज़ को मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, आपकी जो नोज़ होती है वो बहुत ही शार्पन लगती है और बारीक सी हो जाती है, एक शेप में आ जाती है और पूरा ही मेकअप आपका ब्लेंड लगता है अगर आप नोज़ कॉन्टोर कर लेते हो। उसके साथ जी मैं अपना नोज़ जो है वो कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर जो शेड है वो मैंने डार्क ब्राउन लिया है, पिंक फ्लैश का बहुत ही पिगमेंटेड सा ये शेड है। और कॉन्टोर नोज़ कॉन्टोरिंग के बाद मैं अपनी जो है वो चीक बोन्स और चिन को और अपनी जॉ बोन को भी कॉन्टोर करूँगी। अब जी मैंने अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लिया है, एज़ यू कैन सी। अब मैं अपनी पिंक फ्लैश का ही ब्लश ऑन लूँगी और अपने पूरे फेस पे जो है वो मैं ब्लश ऑन लगाकर अपनी जो कॉन्टोरिंग है उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी ब्लश के साथ। और ये ब्लश भी पिंक फ्लैश का है, अभी ये तो बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं लग रहा, लेकिन रियल में ये काफ़ी पिगमेंटेड शेड है, मैं रिकमेंड करूँगी ये। लेकिन अभी पता नहीं क्यों इसका शेड जो है वो मेरी कॉन्टोर के साथ सही से आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने दूसरा पिंक शेडो लिया, पिंक ब्लश लिया और उसको अप्लाई किया अपने फेस के ऊपर, और फिर वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मेरे फेस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत सटल सा लुक चाहिए था, जो ड्रेस मैंने पहना था उसके साथ न्यूड पिंक सा न्यूड ब्राउन सा लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगना था। सो एट दी एंड आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब मैं अपने पाउडर की हेल्प से अपने फेस को जो है वो मज़ीद शार्प कर रही हूँ, जितना एक्स्ट्रा पाउडर और एक्स्ट्रा लाइंस इधर उधर निकल गई हैं उन सबको एक शेप में लेकर आ रही हूँ, और उसके साथ ही मेरा कॉन्टोर कंप्लीट हो जाता है। ब्लश भी मैंने अप्लाई कर लिया, अब हाइलाइटर लगाएंगे हम अपने फेस के ऊपर, और हाइलाइटर लगाने के बाद लिपस्टिक, और फिर हमारा लुक हो जाएगा कंप्लीट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियोज़ को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं, और ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को पूरा वॉच करें ताकि मेरा जल्द से जल्द वॉच टाइम कंप्लीट हो और आपको मज़ीद मज़े मज़े के मेकअप लुक्स और मेरी डेली रूटीन की वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँ। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी मेरी वीडियोस। मैं बहुत ही इजी टेक्निक से मेकअप करना मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर जी मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया है, अपने फेस पे अपने लिप्स पे जो मैंने लिप बाम लगाई थी वो मैंने उतार दी है, और अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करने लगी हूँ। लिपस्टिक जो है वो मैं बेबिलीन की अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे। सबसे पहले वो अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र और लिप्स के ऊपर लिप बाम लगा लिया करें, ताकि एट दी एंड जब आप लिपस्टिक लगाएं तो आपके जो लिप्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और डेड स्किन सारी रिमूव हो जाए, ताकि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग आपकी मैट लिपस्टिक हो या कोई भी लिपस्टिक हो तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे।
अब मैं अपनी लिप्स के ऊपर लिप लाइनर लगा रही हूँ, कोई भी सस्ती सी कंपनी का या कोई भी लिप लाइनर आपके पास है रेड कलर का, तो आप उससे अपने शेप की आउटलाइन बिल्डअप कर लें। शेप की आउटलाइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा पाउटी और बहुत ही ज़्यादा शेप में लगते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ही पाउटी लगें, बहुत ही भरे भरे से लगें, तो आप अपना कोई भी डार्कर शेड लें, मैरून या रेड या डार्क पिंक, डार्क पर्पल, डार्क ब्राउन, उससे अपनी आउटलाइन जो है वो इस तरह से आप क्रिएट कर लें और उसके अंदर आप लाइटर शेड लगाएं और उनको आपस में अच्छे से ब्लेंड कर लें, तो आपके जो लिप्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पाउटी, बहुत ही ज़्यादा प्लम्प और बहुत ही ज़्यादा जो है वो खिले खिले से, भड़े भड़े से लगेंगे। आपको लिप इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही आपका काम हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने डार्कर शेड से आउटलाइन लगाई और अंदर मैंने लाइट ब्राउन शेड लगाया है, न्यूट सा ब्राउन शेड लगाया है। आप देख सकते हैं कि मेरे लिप्स कितने प्रोमिनेंट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा जो हैं वो फिल लग रहे हैं। सो जी इसी के साथ ही मेरा लुक कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। एंड रिज़ल्ट में डालना भूल गई थी तो मैंने पिक्चर्स यहाँ पर डाल दी हैं, आप देख सकते हैं कि ये मेरा फाइनल लुक था जो कि मेरे इस ड्रेस के साथ मैंने क्रिएट किया था, और ये मेरा आई मेकअप था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।